नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मीनिंग्स ऑफ नेम। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको किसी नाम का अर्थ जानना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का नाम जान लेते हैं। आज का नाम क्या है दोस्तों, मैं बता दूँ, आज का नाम है वो आध्या। आध्या नाम के लड़कियों का दोस्तों धर्म क्या होता है और आध्या नाम के लड़कियों का राशि क्या होता है और आध्या नाम की लड़कियाँ किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं, आज की वीडियो में आपको ये सब बात बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आध्या नाम पे मैंने ऐसा रिसर्च कर रखा है, मैं उसके द्वारा आपको आध्या नाम का अर्थ बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं आध्या नाम का मतलब क्या होता है। दोस्तों बिजली और देवी दुर्गा को आध्या कहते हैं और दोस्तों अप्रतिम और उत्तम और पृथ्वी को आध्या कहते हैं। ये हो गया दोस्तों आध्या नाम का मतलब। आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं आध्या नाम के लड़कियों का धर्म क्या होता है। दोस्तों जैसा आप लोग नाम से भी समझ सकते होंगे कि आध्या नाम के लड़कियों का धर्म क्या होगा, फिर भी मैं बता दूं, आध्या नाम के लड़कियों का धर्म होता है वो होता है हिंदू धर्म। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं आध्या नाम के लड़कियों का दोस्तों राशि क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, आध्या नाम की लड़कियों का राशि होता है वो होता है मेष राशि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं आध्या नाम के लड़कियों का दोस्तों लकी नंबर क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है 22, यानी 22 होता है दोस्तों लकी नंबर आध्या नाम के लड़कियों का। शुभ रंग के बारे में बात कर ले दोस्तों, शुभ रंग क्या होता है आध्या नाम के लड़कियों का। दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है लाल, सफ़ेद और पीला, ये होता है दोस्तों शुभ रंग आध्या नाम के लड़कियों का। शुभ दिन की बारे में बात कर ले दोस्तों, शुभ दिन क्या होता है आध्या नाम के लड़कियों का। दोस्तों वो होता है मंगलवार। मंगलवार के दिन अगर कोई भी आध्या नाम की लड़कियाँ कुछ भी काम करती हैं तो उनका काम बहुत ही आसानी और सफलतापूर्वक हो जाएगा, उस काम में दोस्तों आध्या नाम की लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि आध्या नाम की लड़कियों का शुभ पत्थर क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, वो होता है मूंगा अथवा गार्नेट रत्न। इस पत्थर को दोस्तों आध्या नाम की लड़कियों को अपने हाथ में अंगूठी बनाकर पहनना चाहिए, जिससे उनका दिन शुभ रहता है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात जान लेते हैं कि आध्या नाम की लड़कियाँ किन किन क्षेत्र अपना करियर बना सकती हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, वो है सेना, आर्किटेक्ट, अस्त्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र में करियर, या इनमें से जुड़े कोई सेक्टर चुन सकती हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक ही नहीं किया, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए नाम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।